इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग नेक्स्ट नाइन लाइफ। परिणीति चोपड़ा इन दिनों जहां अपनी अगली फिल्म की तैयारी कर रही हैं, 15 किलो जो वजन उन्होंने बढ़ाया है, इसी बीच में पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा में परिणीति चोपड़ा ने अपने सक्सेसफुल मैरिज लाइफ का जो राज है वो बताया है। क्या है वो राज, देखिए खास मौका। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 2 महीने से ज्यादा के वक्त में परिणीति चोपड़ा और राघव बेहद खुश हैं। हालांकि इसी दौरान कई ऐसी खबरें भी सामने आई जिसमें ये कहा गया कि परिणीति के आने से राघव पर मुसीबतें ज्यादा बढ़ गई हैं। वेल, ये तो बात रही राघव की मुसीबत की, लेकिन इसके अलावा परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी लाइफ कैसे बिता रही हैं और आखिर शादी के बारे में उन्होंने क्या ऐसा खुलासा किया है, अपनी कौन सी ऐसी बात रखी है जो कि सोशल मीडिया पर छा गई है, इसके बारे में भी बताते हैं। दरअसल शादी के बाद अब परिणीति चोपड़ा अपने काम पर वापस लौट चुकी हैं। इसी दौरान परिणीति ने वडोदरा में पारुल यूनिवर्सिटी में लीडरशिप कॉन्क्लेव में सक्सेसफुल शादी पर अपनी बात रखी। पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वो बता रही हैं कि कैसे उनकी जो शादी है वो सक्सेसफुल हो गई है। इसके पीछे का राज बताते हुए एक्ट्रेस कहती हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि सफल शादी का राज क्या है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ और वो एक पॉलिटिशियन है। उसे बॉलीवुड के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। यही वजह है कि हम दोनों की शादी अच्छी चल रही है। इसी दौरान परिणीति चोपड़ा ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही थी। हमेशा की तरह वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और सफल शादी की बात भी कर रही थी। परिणीति चोपड़ा और राघव चर्चाओं में तब आए जब मुंबई की एक लंच डेट में उनकी फोटो वायरल हुई थी। ये फोटो इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर छा गई कि हर तरफ परिणीति और राघव के जोड़े की चर्चाएं हो रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि भले ही राघव परिणीति को डेट कर रही हूँ लेकिन शादी नहीं होगी। लेकिन आखिरकार परिणीति और राघव चड्ढा ने शादी की और 24 सितंबर को उदयपुर में साथ फेरे लिए। राघव और परिणीति चोपड़ा की शादी की कई तस्वीरें वायरल हैं। बता दें कि परिणीति चोपड़ा काम के सिलसिले में भले ही मुंबई आती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त उनका अब दिल्ली में ही गुजर रहा है, जहां वो राघव चड्ढा के साथ उनके सरकारी आवास पर रहती हैं।